हेलो व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जैसे हमारे मुँह होने के बाद और गलियों में घरों में पानी जहाँ भर जाता है तो उसके बाद बहुत सी वो बीमारियाँ लेके आता है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए जो हमारी दादी थी, नानी थी, वो जो घरेलू उपाय करती थी, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनका किया हुआ उपाय हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। ये नीम की पत्तियाँ हैं, इसमें आप नीम की निम्बोली भी डाल सकते हो जो सुखाई हुई होती है, मेरे पास वो सुखाई हुई भी हैं। जो हमारी दादी थी वो तो हर चीज़ को डाल देती थी इसमें, जैसे ये अनार के पत्ते हैं, अनार के पत्ते, नींबू के पत्ते और इसके आंवला जो भी होता है, आम, ये जामुन और तुलसी, क्यों ये मेडिसिनल प्लांट है और इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ करती थी वो। पर मैंने क्या सोचा कि मैं ओनली ये नीम और तुलसी के पत्ते डाल के उनकी गोलियां बना के और उसको अगर आप चाहो तो मुश्क कपूर जो होता है बाज़ार से, पंसारी के यहाँ से मिलता है, तो आप वो डाल के बीट करके आप गोलियां बना के रख लें। गर्मी का मौसम है, जब हमारी बरसात शुरू होगी, बरसात के आने के बाद जब हमारे मच्छर आते जाते हैं, बड़े बड़े मच्छर, तो उस टाइम आप शाम को और सुबह दो टाइम इसकी अगर घर में धूप देते हैं, धुआं करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं। अब डेंगू, चिकगुनिया और ये मलेरिया बहुत फैला हुआ है, फैला हुआ है, तो इसके लिए आप ये घरेलू उपाय ज़रूर करें। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये नीम और मैंने ओनली नीम और तुलसी के पत्ते लिए हैं, तो इनको मैं धो के ग्राइंड करूँगी और उसके बाद हम गोलियाँ बनाएंगे इसकी। अब टहनियों से पत्ते अलग कर ले ताकि टहनी जो हमारी सख्त हो तो वो मिक्सी में पीस ना सके, इस तरह से। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए सुखानी पड़ेगी गोलियाँ, तो आप थोड़ा सा पानी, जितना का हमारे पानी से ये पत्ते बीट हो सकते हैं बस उतना पानी हम डाल के नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती को आप ऐसे बीट कर लें। को मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल बारीक। वैसे हमारी जो दादी थी वो नीम की पत्तियाँ भी सुखा लेती थी, पर उसका ये था कि वो हल्की होने की वजह से कभी जल जाती थी, कभी कुछ हो जाता, पर उसके बाद उन्होंने ये सलूशन निकाला कि छोटी छोटी गोलियाँ बनानी शुरू की। ऐसे करके आप बना लें गर्मी में, अब भी बना सकते हैं आप, बनाएं और बना के इसको सुखा के आप एक बर्नी में भर के रख दें और सुबह शाम आप जब ये बरसात का मौसम होता है और उसके बाद का जो मौसम होता है वो मक्खी मच्छर और बीमारियों का मौसम है, उसमें आप इस नीम और तुलसी के जो ये पत्तियां उनका धुआं अपने सारे घर में दें और स्पेशली जहां पे हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे घरों में मच्छरों की तादाद बहुत कम हो गई है और बीमारी से भी हमें निजात मिल गई है। ये हमारा मिक्सी का जग है, उसको आप अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद इस पानी को भी आप यूज़ कर लें अपने प्लांट्स में ताकि हमारे प्लांट्स को फंगस ना लगे, और इसका अच्छी तरह हल्का सा लिक्विड बना लें। इसमें और पानी ऐड कर लूँगी मैं और मेरे सभी प्लांट्स को ये वाटर दे के आऊँगी। आप इन सारी बनी हुई गोलियों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सुखाने का मतलब यही है कि इनको फिर फंगस नहीं लगेगा बरसात के मौसम में। आप अच्छी तरह सुखा के इसको एक अच्छी सूखी बर्नी में भर के रख लें और सुबह शाम इसकी सारे घर में धूप दें। इसको दो दिन की मैंने धूप लगवा दी है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये नीम की निम्बोलियों की तरह बिल्कुल सूख गई है, जिसमें मैंने तुलसी और नीम डाला हुआ है। और अब मैं आपको जला के दिखाऊंगी, आप मुश्क कपूर ले लें, अब इसमें भी आप बीट कर सकते हैं मुश्क कपूर जो यह हमारे यहाँ पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। ये गोल टिक्किया भी मिल जाती है, वैसे ओपन खुला भी मिल जाता है,
जिसे अगर आप घर में जलाते हैं तो उसकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में पहुंचती है। तो मुश्क पूर भी अगर वैसे खाली जला लो तो उसकी भी एनर्जी हमें मिलती है। अगर आप नीम और तुलसी जला के आप घर में सारे घर में घुमा देते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमारे घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। आप इस धुएँ को सारे घर में घुमा दें, प्लांट्स के आसपास भी घुमा दें ताकि जो मक्खी मच्छर कोई इंसेक्ट्स है वो इस धुएँ से दूर भाग जाएगा और हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा। इसके लिए आप हर रोज़ ये ज़रूर किया करें ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।